यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक, एक ऐसा शो जो आपकी आवाज को करता है बुलंद। हम जानते हैं आपकी राय क्या है तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन इस राय को पहुंचाना है हुक्मरानों तक, पार्टी के नेताओं तक, और इसलिए आज का हमारा मुद्दा कांग्रेस पार्टी को लेकर है। हरियाणा कांग्रेस में किस तरह से गुटबाजी है उसको लेकर आज हम मुद्दा उठाने वाले हैं। हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी किसी से छिपी भी नहीं है। वक्त दर वक्त पर तवर और हुड्डा गुट, खासकर ये दो गुट हैं, एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और ऐसा ही एक बार फिर से मामला सामने आया है। रोहतक में ये मामला सामने आया जहां तवर और हुड्डा गुट के बीच विवाद हो गया। दरअसल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तवर के समर्थक कांग्रेस भवन में राहुल गांधी का होर्डिंग लगाने पहुंचे थे, लेकिन वहां पर पहले से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होर्डिंग लगा था, जिसको हटाकर उन्होंने राहुल गांधी के जन्मदिवस से जोड़ी हुई एक होर्डिंग जो है वो लगा दी। और इस घटना के बाद स्थानीय कांग्रेस भवन में दोनों धड़ों के बीच गर्मा गर्मी हो गई। ये माहौल जब पैदा हुआ तो इसका वीडियो भी वायरल हो चुका है। फिलहाल घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे हुड्डा समर्थक पूर्व विधायक और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बीबी बत्रा के साथ तवर समर्थकों की काफी बहस हुई है और गर्मा गर्मी देखने को मिली। बात जब बढ़ने लगी तो बीबी बत्रा ने वहां से चले जाने ही बेहतर समझा। और आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर 19 जून को विशाल कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए थे, और इसी विवाद के बाद तंवर समर्थकों ने इस मामले के राहुल गांधी को शिकायत करने की बात कही है। साथ ही तंवर समर्थकों ने यह भी कहा है कि बीबी बत्रा ने बदतमीजी की है, और बीबी बत्रा को 2 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया है। साथ ही राहुल गांधी से बीबी बत्रा को पार्टी से बाहर निकालने की मांग भी उठाई गई है। तो आज के सवाल हमारे सामने हैं इस मसले को लेकर, क्या कांग्रेस को नुकसान हो सकता है क्या इस गुटबाजी को लेकर? दूसरा सवाल, क्या है कांग्रेस में हुड्डा का भविष्य, ये आप बता सकते हैं, आपकी राय क्या है? इसके अलावा तीसरा सवाल, क्या कांग्रेस से बाहर जा सकते हैं क्या हुड्डा? इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं जिससे सीधे तौर पर नेता मानने से भी इनकार कर चुके हैं तंवर को। क्या कांग्रेस को इससे नुकसान हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल आज का यही है, जिस पर आप अपनी राय रख सकते हैं और पहुंचा सकते हैं कांग्रेस के उन नेताओं तक, ताकि उनको भी समझ में ये आ जाए कि इस लड़ाई से, इस झगड़े से जो सड़कों पर यह गुटबाजी आ चुकी है उसका फायदा या नुकसान हो सकता है। जनता क्या इससे मानती है कि आने वाले समय में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो हरियाणा में 10 सीटों पर या फिर 90 विधानसभा सीटों पर, उसमें क्या कांग्रेस को ये नुकसान उठाना पड़ सकता है गुटबाजी का? क्योंकि तंवर कहते हैं कि मैं पावरफुल हूं पार्टी में हरियाणा में, तो हुड्डा कहते हैं मेरा जनाधार ज्यादा है। रूहानी कला से राजवीर है फोनलाइन पर, हमारे पहले दर्शक अपनी राय रखिए। राजवीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? चलिए फिर से आप कोशिश कीजिएगा, जरूर हमसे जुड़िएगा ताकि आपकी राय जो है हम जान सकें कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या अपने मन में बातें रखे हुए हैं जिसे आप कहना चाहते हो। जगबीर सिंह रोहतक से दर्शक हमारे साथ। जगबीर जी, अपनी राय रखिए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। ऐसा है, ये जो कांग्रेस का मामला है ये इनका अंदरूनी मामला है जी। और नुकसान तो निसंदेह जरूर जो है ना होगा, लेकिन अगर हुड्डा जी कांग्रेस से बाहर जाते हैं तो कांग्रेस के पास फिर जो है ना उतना तगड़ा जनाधार हरियाणा में नहीं रहेगा। इसलिए जो है केंद्रीय नेताओं को मिल बैठ करके इनके बीच का रास्ता निकालना चाहिए, ताकि आगे चल करके कुछ सही राह निकल सके और इनकी आपसी जो तनातनी है वो दूर हो सके। धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत अच्छी राय आपने रखी है। जो केंद्रीय नेतृत्व है राहुल गांधी है, उनको ये देखना चाहिए कि हरियाणा में आखिर चल क्या रहा है। इस तरह से अगर सड़कों पर गुटबाजी आ जाएगी तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। अमन मान पानीपत से एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। अमन जी, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार।
भाई साहब हुड्डा जी तो जाएंगे बीजेपी में जाएंगे अपने मुकदमों से डरते हुए जी। ये बार बार बीजेपी के नेताओं से मिल रहे ना, ये 10 साल इन्होंने मोड़ चाट लिया सीएम पद पर, अब तो ये पार्टी छोड़ के जाएंगे, इनको पता क्या कि आपका नंबर नहीं है। तो आपका कहना है कि ये हुड्डा जानबूझ कर करवा रहे हैं। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े अभी, उनका ये तो कहना है कि बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं हुड्डा, तो अपनी अपनी राय है सबकी अलग अलग। राजकुमार भिवानी से एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। राजकुमार जी अपनी राय रखिए। मैं बोल रहा हूँ जी, सर ये हुड्डा को पार्टी से ही बाहर निकाल देना चाहिए, हुड्डा जानबूझ के दंगा करा रहा है हरियाणा में। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आप ये कहते नजर आए हैं, आपकी राय ये है कि अगर हुड्डा को पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए तो पार्टी को फायदा हो सकता है हरियाणा में। और दूसरे दर्शक कहते नजर आते हैं कि जनाधार हुड्डा का ज्यादा है। दिनेश है मध्य प्रदेश से, हमारे रूटीन के दर्शक हैं। दिनेश जी आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। थैंक यू सर जी। हुड्डा जी को लोग बहुत देख चुके हैं, उन्होंने कोई ऐसा ऐतिहासिक कार्य नहीं किया है, वो पार्टी में नया कैडर तैयार नहीं होने देना चाहते। हुड्डा जी तंवर जी की नूरा कुश्ती है, मिली भगत है, कोई अन्य नेता पैदा नहीं होने देना चाहते। युवा पीढ़ी को आगे आने देना चाहिए, जैसे पंजाब में अमरिंदर जी को आपकी वजह से ग्रेस मिला तो सरकार बनी, वरना अमरिंदर जी वहां सरकार नहीं बना रहे थे। गठबंधन ये हो रहा है जो पार्टियों और देश की जरूरत नहीं है, अवसरवादियों की जरूरत है। हुड्डा जी को नहीं, आप विदेशों में देखिए, नौजवानों को नई पीढ़ी को आने देनी नहीं देना चाहते। जब राहुल जी नए आए हैं तो उनको निश्चित ही नया कैडर तैयार करना चाहिए, ये तो पार्टी को प्रेशर बना रहे हैं कि हम पुराने हैं, हमारे समर्थक ज्यादा है। बिल्कुल, दिनेश जी की जो नौजवान है उनको मौका मिलना चाहिए, बहुत हो चुका हुड्डा तंवर की गुटबाजी का, अगर नया कैडर आता है तो उससे फायदा पार्टी को हो सकता है। आपकी राय जो है वो आपने रखी है, नेतृत्व जो केंद्रीय है उसको ये समझना चाहिए। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं किशोर कुमार फतेहाबाद से। किशोर जी अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए गुटबाजी करें या कुछ भी करें, नुकसान कांग्रेस का कोई निजी नुकसान तो है नहीं, नुकसान का निजी नुकसान है किसी का, कारखाना फैक्ट्री बंद हो रही हो, पार्टी का काम है, हो गया नुकसान हो गया फायदा हो गया, कोई चिंता नहीं है किसी से, कोई परवाह नहीं। नुकसान कैसे, इसका घरेलू नुकसान हो, ये तो पार्टी का नुकसान, फायदा कोई नहीं देखता चलता रहेगा जी। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। सावंत हैं पुंडरी से एक दर्शक हमारे साथ फोनलाइन पर। सावंत जी अपनी राय रखिए इस पूरे मसले को लेकर। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 वर्ष तक इस प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया है जी। और आज कांग्रेस में भी उनकी हालात ऐसी है जैसे दूध में मक्खी की होती है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने हुड्डा जी को उस तरह निकालकर बाहर फेंक दिया है जैसे दूध में से मक्खी को बाहर निकालकर फेंक देते हैं जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई भविष्य नहीं है कांग्रेस में, और ये इसके लिए 3 ऑप्शन है, या तो अलग पार्टी बनाए, या जेल जाए, या बीजेपी में जाए। 3 ऑप्शन है, कभी भी अपना ले, कांग्रेस में इसका कोई जगह नहीं है, और प्रदेश की जनता इसको नकार चुकी है, बिल्कुल नकार चुकी है, इसका कोई विषय नहीं है। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। दिनेश है हमारे साथ नरवाना से एक दर्शक। दिनेश अपनी राय रखिए। नमस्ते जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, पंजाब के अंदर बादल परिवार और ये कांग्रेस पार्टी इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ करके आपको बाहर निकालगी जी। जी और यही खेल यहाँ चल रहा है जी। हुड्डा साहब 10 साल ठीक है चीफ मिनिस्टर रह गए, और क्या चाहिए इन्होंने, अब अपने बेटे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जी। अब हिंदू हरियाणा के अंदर सिर्फ तवर है ना, ये कांग्रेस ने किस्म के मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिए हैं अंदर से, और चाहे हुड्डा साहब बाहर जाए या अंदर रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, कुलदीप बिश्नोई भी खत्म हो चुके हैं बाकायदा इसमें, क्योंकि ये राजनीति परिवारों की करने लग गए, देश की तो करते ही नहीं जी। ये अक्टूबर आया है नौजवान लड़का, इसको देखो क्या करेगा ये जी। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। सुरेंद्र है रोहतक से दर्शक हमारे साथ। सुरेंद्र जी अपनी राय रखिए। हाँ जी, ऐसा है हरियाणा कांग्रेस में जो है ना, हुड्डा साहब है तो कांग्रेस है, इस तवर के पास नहीं है जी कुछ भी जी। हाँ जी हाँ जी, हुड्डा साहब अगर है तो कांग्रेस है। यानी आपको लगता है कि हुड्डा साहब का जराधार है हरियाणा में। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए।
तो तरह तरह की जो है राय आ रही है, कई दर्शक चाहते हैं कि कांग्रेस तंवर को ही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार खड़ा करे अपनी तरफ से। उदय सिंह है कैथल से दर्शक हमारे साथ। उदय जी अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सीएम साहब हरियाणा के अंदर 10 साल उडाई लगा के गया है, जो कि अच्छे काम किए, जब भी 10 साल लगाया है, 10 साल के अंदर आज तक किसी भी जाति पर इसने लाठीचार्ज नहीं होने दिया जी। नंबर एक जी। और कोई भी महकमा का कर्मचारी नहीं खिलाफ तोड़ दिया जी। नंबर दो, और जेल जाए ना जाए ये तो एक राजनीति पॉलिटिक्स है, किसी को भी जेल भेज सकते हैं जी। जेल जाना कोई गुना नहीं, कोई भी मंत्री है जेल से बना है। अगर जो भी कोई भी पार्टी आए, चाहे चटाला का आए, चाहे सीएम कोई भी बने हरियाणा के अंदर, जब तक डेरा सत्या सौदा का आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक कोई सीएम नहीं बनेगा, ये मेरा चैलेंज है, मैं कह रहा हूँ। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आपने कहा है कि शासन जो है हुड्डा सरकार के दौरान एक अच्छा शासन था, कर्मचारियों के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी, कि लाठी चार्ज उसमें कम देखने को मिला है, ये आपकी राय। बलवान है करनाल से एक दर्शक हमारे साथ फोनलाइन पर। बलवान जी अपनी राय रखिए। हाँ जी, हाँ जी जी, मेरी राय ये है जी, ये जो हुड्डा साहब 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे जी, इन्होंने दूसरे जो और भी लीडर थे कांग्रेस के, उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। क्या वो अपना अजय यादव हो या कोई भी हो, जितने भी लीडर थे इनसे अलग। हेलो जी, जी सुन पा रहे हैं आपको अपनी राय। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, तो जितने भी लीडर थे इन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपनी मनमर्जी करी और भाई भतीजावाद पूरा एकदम, जितना ये कर सकते थे इनसे ज्यादा किया इन्होंने। आप भी वही कह रहे हैं जो विरोधी हुड्डा के कहते हैं कि भाई भतीजा वाद की राजनीति की है और इसी तरह उन्होंने शासन चलाया है। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। सचिन है रोहतक से हमारे साथ दर्शक। सचिन जी अपनी राय रखिए। मेरी राय ये है जी, जितने भी दर्शक ये अपनी राय दे रहे हैं जी, मैं उन भाइयों से एक बात पूछना चाहता हूँ, अशोक तंवर जी के साथ कौन सा वरिष्ठ नेता है? अध्यक्ष का काम ये होता है कि वो अपने सारे सीनियर नेताओं को अपने साथ लेकर के, उनके तजर्बा लेकर के आगे बढ़े। अशोक तंवर जी के साथ वो हुआ है, उनके साथ 10 आदमी नहीं है, उन्होंने साइकिल का वो साइकिल रैली निकाली थी, 20 साइकिल थी। और हुड्डा साहब ने होटल में रथ यात्रा शुरू की, लाखों आदमी थे। समालखा में शुरू की, लाखों आदमी थे। अब मेवात में करेंगे तो भी लाखों आदमी होंगे। ये बीजेपी वाले बार बार इनको अंदर करने का डर क्यों दिखाते हैं? क्योंकि उनको ये पता है हरियाणा में कांग्रेस है तो हुड्डा साहब है तो कांग्रेस है। ठीक है, एमएलए तंवर साहब एक एमएलए बनने के दावेदार हैं, लेकिन अध्यक्ष पद ये हाईकमान ने जातिगत संतुलन या पता नहीं किस हिसाब से बना रखा है, लेकिन तंवर साहब के पल्ले कुछ नहीं है। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आपने कहा कि हुड्डा है तो कांग्रेस है, कई दर्शकों ने ऐसा कहा, लेकिन कई ये कहते नजर आए कि अशोक तंवर की भी अहमियत आज कांग्रेस में ज्यादा है और ज्यादा होने की जरूरत है, मुख्यमंत्री के दावेदार भी बताएं कई दर्शकों ने। सत्यवान है जिनसे हमारे साथ। सत्यवान जी अपनी राय रखिए। सत्यवान जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? चलिए संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से आप कोशिश कर सकते हैं, अपनी राय आप बता सकते हैं। संजीव है रोहतक से दर्शक। रोहतक से कई दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो राय ज्यादा बेहतर होगी क्योंकि वहीं का ये मामला सामने आया है, अपनी राय रखिए। भाई साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तवर वगैरह कुछ नहीं है, इनके पल्ले एक सीट में है, सिर्फ सही सीटें निकाल सकते हैं, रोहतक में कहेंगे जो वीडियो में दिख रहे हैं कुछ नहीं है जी। जो कुछ है कांग्रेस और इनके पल्ले कुछ नहीं। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है हमारे दर्शकों की जो फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं, और ये जरूरी भी है कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि एक वोटर ही बता सकता है कि नेताओं के द्वारा जो ये कार्य किए जा रहे हैं या गुटबाजी हो चुकी है, अपने चरम पर पहुंच चुकी है, और अब हुड्डा और तंवर चाहे तब भी जो है नजदीक आते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो समर्थक हैं वो भी गुटों में, दो धड़ों में बंट चुके हैं। आपने कई मामले ऐसे देखे, फतेहाबाद में भी एक मामला सामने आया था, आपने देखा दिल्ली में रैली में क्या हुआ था, खून खराबा हुआ था, लाठियां चली थी, घायल हुए थे अशोक तंवर, और उसके बाद मामला दर्ज करवाया गया हुड्डा के खिलाफ। तो कई चीजें हैं जो साफ दिखाती हैं गुटबाजी तो है। चंद्र सिंह है जीन से एक दर्शक। चंद्र जी अपनी राय रखिए। हेलो जी सर, ये जो चौधरी जी भूपिंदर सिंह है जी, के ये बड़ा नेता है, तंवर के नीचे रहे भी किसी दूसरे नेता
चलो इसलिए पार्टी से बाहर जाना ही पड़ेगा ना, अगर इसको कमान नहीं सौंपेगी तो पार्टी छोड़ सकते हैं। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आपने सीधा कहा कि अगर कमान जो है हुड्डा के हाथों में हरियाणा में नहीं आती है तो हो सकता है वो पार्टी छोड़ दे। ये दर्शक भी जो है समझ रहे हैं कि आखिरकार हुड्डा का जो कद है हरियाणा कांग्रेस में वो काफी बड़ा है। वो नहीं चाहते कि अशोक तंवर जो अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के उनके अंडर में काम करें और उनके कहे पर चले। और ऐसा देखा गया है कि अशोक तंवर जब भी कोई मीटिंग बुलाते हैं, कोई भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो वहां पर हुड्डा तो छोड़िए, उनका जो समर्थक है या उनके जो विधायक समर्थक कहे जाते हैं वो भी नजर नहीं आते। मंजीत है जिनसे एक दर्शक हमारे साथ। मंजीत जी अपनी राय रखिए। कमल भाई नमस्कार, मैं मंजीत बोल रहा हूँ। मेरी राय ये है कि आने वाले विधानसभा इलेक्शनों में कांग्रेस में हुड्डा का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस नए नेताओं को जगह दे रही है और हुड्डा पक्का इस पार्टी को छोड़ेंगे क्योंकि हुड्डा बचना चाहते हैं। हुड्डा ने अपने 10 साल में बहुत सारे घोटाले किए हैं, तो उनसे बचने के लिए वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। बीजेपी की तरफ जाएंगे तो उनको कांग्रेस से जाना पड़ेगा, और कांग्रेस युवाओं को मौका दे रही है और तंवर साहब अपने पद पर बने रहेंगे। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। जो दर्शक हैं वो ये भी कहते नजर आते हैं कि जो बीजेपी है उसकी तरफ जो है जा सकते हैं हुड्डा। इसका एक कारण ये भी है कि शाहनवाज हुसैन के साथ एक फोटो भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर इफ्तार को लेकर। रणधीर अजीन से एक दर्शक हमारे साथ। रणधीर जी अपनी राय रखिए। रणधीर जी अपनी राय रख सकते हैं आप। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो जी रणधीर जी अपनी राय रखिए। भाई साहब पहले तो राम राम जी। नमस्कार भाई साहब, मेरी राय यह है, देखो अगर हम बात करें हुड्डा की या फिर मतलब अशोक तंवर की जी, अगर अब हम उन दोनों को छोड़ के अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं ना जी, तो कांग्रेस पार्टी को तीसरा चेहरे को आगे लेकर आना चाहिए। ये दोनों ही चेहरे आप दूसरे में कांग्रेस को में एक दूसरे में गुटबाजी करके कमजोर करने का काम करते हैं। तीसरा चेहरा जो आजकल राहुल गांधी के बिल्कुल नजदीकी है, जैसे रणदीप सुरजेवाला, डायनेमिक नेता है, बोलता है तो दुनिया सुनने को पसंद करती है, उन जैसे नेताओं को स्थान देना चाहिए। ये दोनों अपनी मिलाने में भिड़ाने में लगे रहते हैं जी। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। आपने एक तीसरा समीकरण बताया कि रणदीप सुरजेवाला, जो कि माना जाता है कि फिलहाल जो कांग्रेस का केंद्र है, राहुल गांधी के नज़दीक आजकल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला को मौका देना चाहिए हरियाणा कांग्रेस में। और ये पहले भी बात आ चुकी है कि रणदीप सुरजेवाला भी इंटरेस्टेड तो हैं हरियाणा कांग्रेस में, या फिर आने वाले चुनाव में उनको जीत मिलती है तो उनको भी मौका मिले किसी ना किसी तरह। नागेंद्र सिंह नेगी है मंडी सरका घाट से, हमारे रूटीन के दर्शक है, आपका स्वागत, अपनी राय रखिए। कमल जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर किसी भी पार्टी को किसी भी घर को चलाने के लिए बुजुर्गों का होश और नौजवानों का जोश जरूर चाहिए जी। आज जो स्थिति हरियाणा में है वही हिमाचल और दिल्ली में है। आप कैसे नकार सकते हैं किसी जो दो बार मुख्यमंत्री रहा उसके पीछे लोग नहीं होंगे क्या? वीरभद्र सिंह की बात हो चाहे शीला दीक्षित जी की बात हो जी, अगर राहुल गांधी जी ने 2019 में प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखी है तो उनको सिंधिया और सचिन को भी साथ लेना पड़ेगा, युवा टीम को। और हुड्डा जी की बात हो चाहे वीरभद्र सिंह और दीक्षित जी की, शीला दीक्षित की बात हो, ऐसे लोगों को अमरिंदर सिंह जी की बात हो जी, क्योंकि इस देश में सबको साथ लेकर के चलना ही असल में इस देश को एकजुट रखने की जरूरत है, धर्मों और जातियों से ऊपर उठकर। राहुल गांधी जी का आज जन्मदिन भी है, बहुत बहुत तहे दिल मुबारकबाद उनको। और विधानसभा में भले ही वो समझौता ना करें लेकिन लोकसभा के लिए उनको समझौता करना पड़ेगा। ये परिवार देश के लिए कुर्बानियां देने वाला परिवार रहा है। अगर प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं राहुल गांधी को तो तंवर जी को और हुड्डा जी को साथ लेकर। बिल्कुल आपने सही कहा कि हुड्डा और तंवर को साथ आना होगा। अगर कांग्रेस के जो हरियाणा के नेता हैं चाहते हैं कि राहुल गांधी जीत सके लोकसभा चुनाव में, अच्छी सीटें ला सके अपनी पार्टी को लेकर। मनु है गुरुग्राम से एक दर्शक हमारे साथ। मनु जी अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर। ऐसा है, मैं निजी तौर पर तो हुड्डा जी का समर्थन नहीं करता, लेकिन एक बात सामाजिक तौर पर जरूर कहता हूँ कि आज भी हुड्डा जी
सबसे बड़े कांग्रेस में हरियाणा के नेता हैं, उनके पीछे जितनी पब्लिक है शायद और किसी नेता के पीछे शायद ना हो। लेकिन सर एक चीज और बताना चाहता हूँ, जब भी कभी इन पॉलिटिशियन का इंटरव्यू लिया जाता है तो ये कहते हैं कि हम इस पार्टी के सिपाही हैं, हमको कोई भी काम दिया जाएगा हम वो करेंगे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए फिर ये क्यों छोड़ रहे हैं? जब उन्होंने हाईकमान ने इनको जो भी काम दिया है, अगर अगर ये सिपाही है तो जो काम मिला है उसको करो, छोड़ने की क्या बात है? इसमें इनका स्वार्थ होता है, कोई ना कोई स्वार्थ होता है। आप ये कह रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर कोई फायदा पहुंच सकता है इसलिए ऐसे काम किए जाते हैं और जो दो गुट हैं उनको बरकरार रखा जाता है। नरेंद्र हैं पानीपत से, एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। नरेंद्र जी अपनी राय रखिए। हेलो जी मनोज, नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार। ऐसा है सर, हुड्डा जी ने बहुत अच्छे काम किए थे अपने टाइम में जी, लेकिन अब क्या है कि वो अध्यक्ष पद के लालच में तवर साहब को बार बार परेशान करना, अपने विधायकों को आगे पेश करना हाईकमान के सामने, ताकि भाई हमें लगे कि भाई सरकार को लगे, जनता को लगे वो डरता भी सब कुछ है। ये चाहते हैं कि पूरी जिंदगी आगे दीपेंद्र बन जाए सीएम, अब ये रहे, ये किसी और को आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते। यानी कि परिवारवाद हैवी है यहाँ पर, इसलिए नए जैसे तवर साहब हैं या रणदीप जी हैं उनको मौका मिलना चाहिए। चलिए शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपने यहाँ कहा कि परिवारवाद को बढ़ावा देते नजर आते हैं हुड्डा, अलग अलग जो राय है वो निकल कर हमारे दर्शकों की आ रही है और एक अलग अलग समीकरण भी दिखा रहे हैं। आप देखिए कि जनता कितनी समझदार है, सब समझती है कि इससे क्या कुछ फायदा नेताओं को हो सकता है। तो सभी दर्शकों का धन्यवाद, आपने अपनी राय रखी इस पूरे मसले को लेकर और जाहिर तौर पर आपकी राय जो है उन नेताओं तक जाएगी जो गुटबाजी का शिकार होते हैं या इस तरह का समर्थन करते हैं गुटबाजी का। लेकिन ये खुलकर जो है अब सामने आने लगा है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी तो तवर गुट और हुड्डा गुट इसमें है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस मसले को लेकर देखने को मिलता है। देश की आवाज़ में इतना ही, नमस्कार।